पटना में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक हुई। इस दौरान राज्य के सभी प्रखंडों में संगठन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जेके दत्ता ने बताया कि कायस्थ महासभा से समाज के सभी लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने समाज के लिए राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने की मांग सभी राजनीतिक दलों से की है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की आज मेरे इस बिहार दौरे में हम संगठन की मजबूती पे विचार विमर्श कर रहे हैं। संगठन को निचले स्तर तक, वार्ड स्तर तक ले जाना है और अपने हमारे जितने भी कायस्थ परिवार के सदस्य हैं सबको इस संगठन में जोड़ना है और इसके साथ ही साथ कायस्थ समाज की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। आज चाहे वो केंद्र सरकार हो, जिस तरीके से कायस्थों के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको कायस्थ समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से की 3-4 राजनीतिक पार्टियाँ जो राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं और प्रदेश स्तर पे भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे बातचीत चल रही है और उन सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम कायस्थ समाज को उचित भागीदारी देंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में करीब 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें कायस्थ बहुल मतदाता हैं और जिसमें कायस्थों के वोट से जीत हार का निर्धारण होता है। उसी तरह हम बिहार की बात करें, बिहार में चुनाव हो गए हैं लेकिन आगे आने वाले समय में आज से 4 साल बाद जब चुनाव होगा उसमें भी 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां कायस्थ मतदाता बहुत ज़्यादा हैं और हम चुनाव जीत सकते हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो हम बिहार में भी सभी राजनीतिक दलों से जितने भी हैं क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं से भी मांग करते हैं कि कायस्थों को राजनीति में उचित भागीदारी दी जाए।